आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रवासी व्यक्ति आ रहे हैं उनके बारे में आप कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको राशन कितना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको छत्तीसगढ़ में प्रवासी व्यक्ति जो आ रहे हैं उनकी संख्या, उनको कितना राशन दिए जाएंगे प्रति व्यक्ति और पूरी डिटेल जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के इस ऑफिशियल वेब पेज पर आने होंगे। यहां आने के बाद आपको जाना है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा 2012 ऑनलाइन में। इसमें जाएंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहां आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए जो चावल आवंटन, यहाँ देख सकते हैं प्रवासी व्यक्ति हेतु चने चावल हेतु आमंटन मात्रा क्विंटल में दिया गया है। इसके अलावा प्रवासी व्यक्तियों के प्रविष्टि हेतु बनाए गए यूजर, प्रवासी व्यक्तियों के परिवार की संख्यात्मक जानकारी, प्रवासी व्यक्ति हेतु एंट्री की गई मात्रा, ये सारी जानकारियां दी गई। हम स्टेप बाय स्टेप हम एक जिला का ना जान के कई जिलों का जानेंगे, क्योंकि कई बार कमेंट करते हैं कि ये पेज नहीं ओपन हो रहे हैं। हम आपको ओपन भी करेंगे और बताएंगे। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे प्रवासी व्यक्ति हेतु चने चावल हेतु आवंटन। कई बार जो प्रवासी आ रहे हैं वो अपना नाम इसमें चेक करते हैं तो उसका नाम शामिल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सभी का नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ये डेली चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ से चेक करेंगे कि प्रवासी व्यक्ति के लिए कितना आवंटन हुआ है। चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हर जिले का बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति को मई में मिलेगा जून में मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई प्रवासी बाद में आएंगे और कुछ लोग आ भी गए हैं और आने वाले समय में और आएंगे, तो उनको ये आवंटन चावल हर माह चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो बताया गया है 1 किलो प्रति परिवार के मान से चने का आवंटन यहाँ किया गया है, मतलब 1 किलो चना मिलेगा प्रति परिवार के हिसाब से। यहाँ बताया गया है अगला में 5 किलो प्रति सदस्य के मान से चावल का आवंटन किया गया है मई माह में, और यहाँ जून में 1 किलो चने का आवंटन और 5 किलो चावल का आवंटन। जो चावल चने हैं वो परिवार के हिसाब से है और जो चावल है वो सदस्य के हिसाब से है। आप पूरा यहाँ देखेंगे तो इसमें बस आवंटन के बारे में जानकारी दी गई है। और आगे देखते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो प्रवासी व्यक्तियों के प्रविष्टि हेतु बनाए गए यूजर, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या जानकारी दी गई है आपको पूरा लाइव बताते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं आप जिस जिले में चेक करना चाहेंगे उस जिले में, जैसे मैं यहाँ रायगढ़ का चेक करता हूँ, यहाँ 21 दिया हुआ है यूजर। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ कौन कौन से अधिकारी वहाँ नियुक्त किए गए हैं विकासखंड में, वो यहाँ जानकारी दी जा रही है। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रवासी व्यक्तियों के परिवार की संख्यात्मक जानकारी, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ देख सकते हैं कुल प्रवासी परिवार हर जिला में कितना है और उनमें कितने सदस्य हैं, पूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है। जैसे मैं यहाँ बिलासपुर का चेक करता हूँ, आप अपने गाँव का भी चेक कर सकते हैं। आप यदि प्रवासी हैं तो आप अपना नाम भी इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार का ऑफिशियल वेब पेज है, जिसमें नागरिकों को चावल आवंटन की ये जानकारी दी गई है और ये चावल आपको वितरित किए जाएंगे। ऊपर में यहाँ दी गई है बिलासपुर में विकास खंड दिया गया है और यहाँ कुल प्रवासी परिवार और कुल सदस्य दिए गए हैं, सभी का नाम भी इसमें से होगा, आप नाम भी चेक कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ नगरी दिया हुआ है अगला, जैसे आप यहीं करेंगे, जैसे मैं मस्तूरी का मान लो करता हूँ कुल प्रवासी परिवार, तो मस्तूरी में क्लिक किया तो ये ओपन होगा। इस तरह से ये ओपन हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रवासी व्यक्ति का आईडी यहाँ शो हो रहा है और यहाँ नाम शो हो रहे हैं और इसको कब एंट्री किया गया है वो भी यहाँ शो हो रहे हैं। यदि आप भी एक प्रवासी हैं तो आप अपना नाम इसमें चेक करते हैं और आपको कौन से उचित मूल्य की दुकान में राशन मिलेगा, वो उचित मूल्य की दुकान का क्रमांक भी यहाँ दिया गया है।
ऐसा नहीं इसमें थोड़ी सी जानकारी दी, पूरी जानकारी दी गई है। कौन से राशन उचित मिलेगी दुकान में, यहाँ आपको राशन मिलेगा, आपका यूज़र आईडी क्या है, कौन सी यूज़र आईडी से ये एंट्री किए गए हैं वो बताया गया है, इसके अलावा नाम बताया गया है, प्रवासी व्यक्ति का आईडी बताया गया है, यहाँ का भी एंट्री किया गया है ये भी बताया गया है। आप पूरा का नाम यहाँ देख सकते हैं, आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं यदि आप एक प्रवासी हैं तो। आप जैसे मैंने यहाँ तो बिलासपुर ज़िले का चेक किया, जैसे आप दूसरे ज़िले से आते हैं कई बार ओपन नहीं होता है कूलिंग तो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैं यहाँ महासमुंद का चेक करता हूँ, महासमुंद में 22 बता रहे हैं प्रवासी परिवारों की संख्या, यहाँ देख सकते हैं महासमुंद में टोटल यहाँ 17 बता रहे हैं और यहाँ 52। जैसे मैं इसमें बता रहा है उसको चेक करता हूँ, जैसे यहाँ तुम गांव में 3 बता रहे हैं तो आपको इस 3 पर क्लिक करने हैं। 3 में क्लिक करेंगे तो इन तीनों का नाम यहाँ शो हो जाएंगे और इन्हें किस उचित मूल्य की दुकान में राशन मिलना है वो भी यहाँ शो हो रहे। तीनों का एक ही परिवार के हैं तीनों, तो यहाँ देख सकते हैं एक ही दुकान में इन्हें दिए जा रहे हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और अगला दिया हुआ है प्रवासी व्यक्ति हेतु एंट्री की गई मात्रा, तो इसमें देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है, आप सबको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है मई माह में चावल आवंटन और जून माह में चावल आवंटन दोनों को बताया गया है, कितने प्रवासी परिवार हैं और कितना चावल आवंटन किया गया है ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इस तरह से आप जानकारियों को चेक कर सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। प्रवासी व्यक्तियों हेतु जो भी जानकारी दी गई है वो सारे इसमें हैं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के इस ऑफिशियल वेब पेज में, जहाँ से प्रवासी व्यक्तियों को जो चना और चावल आवंटित किए गए हैं उसके बारे में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जानकारी दी गई है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रवासी व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंच सके और वो अपने बारे में जानकारी ले सके। आपको यह चेक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेक कर सकेंगे। इसके बाद आपको और कुछ प्रवासी परिवारों के बारे में जानकारी देते हैं जिला अनुसार, क्योंकि कई बार एक लिंक ओपन नहीं होता है तो आप जिस गांव से हैं, आप यदि प्रवासी हैं तो आप अपना चेक करने के लिए अपने ज़िले का चयन करें। इसमें से जिस ज़िला में आप रहते हैं, आपका निवासी है, उस ज़िला को आप सिलेक्ट करें। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि आप कोरिया ज़िले से हैं, खुद तो आप कोरिया ज़िला को यहाँ सिलेक्ट करेंगी। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ जाना है प्रवासी व्यक्तियों के परिवारों की संख्यात्मक जानकारी में। आपको पूरा बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ जाएंगे तो आपको ये ओपन होगा। यहाँ ओपन होने के बाद आप अपने ज़िले का सिलेक्ट करेंगे, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं। आपको सभी को चेक करना, जो भी चेक करना है आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप कोरिया ज़िले से हैं तो कोरिया में सिलेक्ट करेंगे। कोरिया में आप सिलेक्ट करेंगे तो एक बार नया पेज ओपन होता है इस तरह का। यह नगरी क्षेत्र का दिया हुआ है, चिरमिरी देख सकते हैं जो इसमें है वो ऊपर में नहीं है, लेकिन कुछ है भी। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ कोरिया बैकुंठपुर दिया हुआ है, मनेंद्रगढ़, सोनहट, खड़गवा, भरतपुर, ये क्या है, ये विकास खंड है और ये नगरी निकाय है। जैसे चिरमिरी नगर निगम है, उसी तरह मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, झगराखंड, चर्चा, घोघा पानी, नई लेदरी, इनमें से आप जहाँ से भी हैं, आप मान लो भरतपुर से हैं तो भरतपुर के आगे लिखा हुआ है कुल प्रवासी परिवार, तो आपको भरतपुर में क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ जो 22 दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 32 लिखा है, इस पर 32 लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो भी सभी लोगों का नाम शो हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो सभी लोगों का नाम शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ 22 में क्लिक करेंगे तो भी सभी लोगों का नाम शो होंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 22 लोगों का नाम में सिलेक्ट किया तो यहाँ भी वही बता रहे हैं, और 32 लोगों में सिलेक्ट किया तो भी वही बता रहे हैं। इस तरह से आप अपना खुद का नाम इसमें चेक कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो
राशन आपके लिए आवंटित की गई है, उसको आप अपने जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, यहाँ उचित मूल्य की दुकानों का क्रमांक भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लाभ ले सकेंगे। यदि आपको पूरी जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपको कोई भी इसमें परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी जवाब देंगे।